एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आ गई हूँ आप सबके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं अभी इस वक्त, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। मैं, जैसा कि आपको पता है, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी जो बेटी है आपकी छोटी एम सिंह, वो थोड़ी बीमार थी रात से, तो मैं सोची एक बार दिखा लूँ। बच्चे के केस में मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ और लेना भी नहीं चाहिए, तो मैं दिखा दी डॉक्टर को और वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ गले में थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, मे बी कुछ ठंडा गर्म हुआ हो, तो कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है, दवा दे दी है मैंने। सो आज रीडिंग लेट होगी, ये मैंने सुबह ही बता दिया था। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। और आप सब ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं हमारी, आपकी सबकी बच्ची को, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल परफेक्ट। वैसे भी शेर है वो, उसको आप सबकी ब्लेसिंग्स ही काफ़ी हैं ठीक होने के लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड्स, बरगंडी जी, पापा आ रहे हैं क्या आज? द लवर्स, जय राधे कृष्णा। हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, द स्टार। तो वाइब्स अच्छी हैं गाइज, वाइब्स में मुझे कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ थोड़ी बहुत, जैसे आपके पर्सन अगर कहीं किसी सिचुएशन में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव थिंकिंग है, बट रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज़ वेरी गुड। इनकी जो भी विशेज़ हैं, इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं, वो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपसे रिलेटेड विशेज़ और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपके साथ लव लाइफ में एक नई शुरुआत, अगर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रुक गया है कहीं किसी सिचुएशन में, तो सब चीज़ें फिर से आगे बढ़ने वाली हैं। तो अगर लंबे समय से आप सेपरेशन में हैं या काफ़ी टाइम से अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ झगड़े ही झगड़े हैं, तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है, आपको अपने पर्सन को ज़्यादा इंटरटेन नहीं करना है, ठीक है? उनको ये मत जताइए कि आप 24 घंटे उनके बारे में सोचते हैं। उनको जिस दिन आप जताने लगोगे, उस दिन आपका रिश्ता हमेशा थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, भागना चाहिए। जब आप किसी से दूर भागते हो ना, तो वो पर्सन आपको चेस करता है, और जब कोई चेस करता है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे आप अपने पर्सन को चेस करते हो, उनको बड़ा मज़ा आता होगा, वैसे ही जब आपको वो चेस करते होंगे तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा कि हाँ, मेरी फ़िक्र कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है ना? तो थोड़ा सा डिटैच रहना चाहिए। दिन भर में एक बार बात हो गई तो हो गई, वो भी वो कर ले, आप कर लो, वो डिपेंड करता है। बट बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है ना कि 24 घंटे बस बात ही करते रहो, वो आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देगा। हमेशा थोड़ा सा भाव में रहना चाहिए, तब आपके भाव बढ़े रहेंगे, है ना? साइन बता देती हूँ, वी हैव अक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसेस, कैप्रिकॉन, कैंसर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में बोले तो वी हैव कुंभ राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, कर्क राशि, मकर राशि। क्लैरिफाई करते हैं हमारे बरगंडी जी क्यों आए हैं। बरगंडी जी ले आए हैं टावर। ओहो, कार्मिक साइकिल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी में जो भी कर्मास पेंडिंग थे वो रिलीज हो गए हैं, क्योंकि करंट एनर्जी है। इसीलिए बरगंडी के बाद हमारे, मतलब डेविल के बाद फूल आया है, एक नई शुरुआत। एंड वी हैव नंबर 1 एस, दैट इज़ अ न्यू बिगनिंग आफ्टर टावर मोमेंट। कुछ ख़त्म हो गया आपके पार्टनर की लाइफ से, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस, कार्मिक्स रिलीज हो गए हैं।
The fool. The fool को clarify किया है four of cups, king of wands, four of pentacles, page of wands. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके पार्टनर ने रिजेक्ट किया है आपको, मतलब उन्होंने आपको सीधा बोल दिया होगा कि सॉरी यार मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैंने बहुत कोशिश करी, हम दोनों में एज डिफरेंस है या कास्ट डिफरेंस है या फैमिली नहीं मान रही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, करता रहूँगा ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक, बट मैं शादी नहीं कर सकता, ऐसा किसी ने बोला है क्या? अगर आपके पर्सन ने ऐसा बोला है और उसके बाद आप दोनों अलग हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी यूनियंस होंगे. आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं और इनको आपकी कमी खल रही है, ये इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बोल तो दिया लेकिन मैं रह कैसे पाऊँगा या रह कैसे पाऊँगी इसके बिना, मुझे तो आदत लग गई है, एडिक्शन हो गया है. बहुत सारे लोग जिनके पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया था वो भी वापस आएंगे. द लवर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स. द लवर्स को क्लैरिफाई किया है जेस्चर आपको मिल सकता है, छोटा मैसेज, बहुत रोमांटिक मैसेज, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी है, हिम्मत इकट्ठा करके वापस आने की वाइब्स है, क्योंकि अगर किसी को आप एक बार मना कर दो तो दोबारा उसके पास जाने से पहले इंसान को हिम्मत इकट्ठा करनी पड़ती है कि अब हम किस मुँह से जाएंगे. क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन? इन्होंने बहुत दुख देखे हैं आपसे दूर होने के बाद, इनको कर्मा मिला है बहुत तगड़ा वाला, बहुत लोगों का सच्चाई, बहुत लोगों का जो ट्रू सेल्फ है वो इनके सामने आ गया है. अब इनको उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं. अब क्या चल रहा है दिमाग में? अब इनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे अपने पार्टनर को ही कमिटमेंट देनी है, उसके लिए ही डिसीजन लेना है, उससे ही शादी करनी है. ये चीज़ें हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, मैसेजेस, कॉल्स, बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को. चाहे कोई भी डिफरेंसेस रहे हों, मैरिड कपल या अनमैरिड कपल, सबका यूनियन होगा. जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, फियर्स हैं, उससे बाहर निकल चुके हैं आपके पर्सन. द स्टार, क्या होप है? होप है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे पाएंगी या दे पाएंगे, चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो पाएंगी, बैलेंस आउट हो पाएंगी. बहुत कंफ्यूज थे जिस वजह से वेट कर रहे थे, जगल कर रहे थे, तो इस जगलिंग से अब आपके पर्सन बाहर निकल चुके हैं कंप्लीशन की तरफ, इन्होंने निर्णायक फैसला ले लिया है. तो यहाँ बहुत सारे मैरिड कपल्स के यूनियंस होंगे, हो भी रहे होंगे. कमेंट में बताया कीजिए आप लोग किसके किसके यूनियन हो गए, हो रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि क्या चल रहा है, किसके किसके यूनियन हो गए, किसके किसके बाकी हैं. जय राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति. करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं कहाँ गए तुम? यहाँ करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन की अभी इस वक्त प्लीज क्लैरिफाई करें किस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं. कम्युनिटी, क्यों दिल दुखा है करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन का? ओके, गॉडेस ऑफ द मून विद एंजल ऑफ लव, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज. क्या कोई मैसेज है आपके लिए दिल से निकला हुआ?
वाह, इनके दिल की चाबी आपके पास है, ये मैसेज है आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इसको क्लैरिफाई किया है डोर टू रोमांस ने। ओके, तो मैंने कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। पहली बात तो ब्रोकन हार्ट क्यों आया है, क्यों करंट फीलिंग्स में दिल इनका दुखा हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने एक एंजल का दिल दुखाया है। आप एक एंजल हो, आपने इनसे कभी कोई डिमांड नहीं रखी, आपने इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, आपने बस दिया है इनको। और ऐसे पर्सन आज के टाइम में बहुत कम है, रेयर है, जो आपको सिर्फ दें, आपसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले। तो आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं, रेयर हैं। और आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी। इनको ऐसा लगता है कि यार ऐसी सोल को अगर मैंने दुख दे दिया तो फिर मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं मतलब इस गिल्ट के साथ, इस बोझ के साथ जीऊँगा कैसे या जीऊँगी कैसे। ये तो एक ब्यूटीफुल सा एंजल है जो कि मेरे लिए 24 घंटे प्रे करता है या करती है, हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है, भले मैंने इसके लिए कितने भी बुरे लफ्ज़ यूज़ किए हों। तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर सो नर्चरिंग, सो केयरिंग, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए इनके दिल में। बट ऐसे शख्स को जब ये तकलीफ़ देते हैं, ब्लॉक करते हैं, नो कॉन्टैक्ट में डालते हैं, तो इनको भी दुख होता है, इनको भी ऐसा लगता है कि यार मैं किस हद तक नीचे गिर गया हूँ या गिर गई हूँ जो मैं ऐसे शख्स को हर्ट कर रहा हूँ। बट मजबूरी है, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। कम्युनिटी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग की एनर्जी है ये, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, इन चीज़ों से या तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा या बिल्कुल पड़ रहा है, मतलब कंट्रास्ट इमेज है जो भी चीज़ ये सोच रहे हैं। लेकिन इनका दिल आपके पास है, इनको ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है कि अगर आपको लगता है कि ये किसी थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सच में आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। खुद को बिज़ी करने के लिए इन्होंने कामकाज बढ़ा दिया है, बट इनकी हीलिंग सिर्फ आप ही कर सकते हो, ये भी इनको पता है कि मतलब अगर मुझे हील होना है तो मुझे आपके पास ही आना होगा, और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हील कर सके मुझे। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होगा, इमीडिएट एक्शन, जो नो कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कमिंग 4 days और 22 hours, मोस्ट प्रोबेबली 22 hours से 40 hours के अंदर की एनर्जी है। 22 hours से 40 hours के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे, मैसिव, बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे। इवन आपके साथ रिश्ता बैलेंस आउट भी होगा और हारमोनी एंड स्पिरिचुअल यूनियन नज़र आ रहा है। मदर यूनिवर्स की यहाँ पर एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यूनियन की वाइब्स है, बहुत सारे यूनियंस इतना मिस कर रहे हैं कि बातचीत करेंगे। बिल्कुल इनको धोखा मिल गया है बढ़िया से, इन्होंने आपसे जो बातें छुपाई थी, जो आपको ट्रिगर किया था, हर्ट किया था, उसका कर्मा इनको मिल गया है थर्ड पार्टी से। अब इनको आपकी कमी फील हो रही है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो इससे बात करनी है, मुझे तो इसको क्लैरिटी देनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिस कर रहे हैं, इवन आपको थर्ड पार्टी से इन्होंने कंपेयर भी किया है। एम्प्रेस विद डिसेप्शन क्लैरिफाई कर दें, काफ़ी सब्र रखा है इन्होंने, काफ़ी पेशेंस रखा है, लेकिन अब इन्होंने डिसीजन लिया है एक नई शुरुआत का जो कि सक्सेसफुली होगी आपके साथ। सो जितने भी लोगों के पार्टनर डिस्कनेक्टेड हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कमिंग 22 आवर्स से 40 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं दे ऑल आर टाइमलेस। जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, फैमिली के कारण काफ़ी लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, ब्रेकअप तक हो सकता है, तो बचा के रखिए अपने रिश्ते को, किसी भी फैमिली या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा झगड़े उगड़े ना करें। कमिंग 22 आवर्स से 40 आवर्स आपके लिए थोड़े हार्ड हैं,
काफ़ी लोगों के पर्सन शादी के मुद्दे पर इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं, आपसे किसी बात पर बहस हो सकती है, पता चला ये आपके साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपने कोई ऐसी बात कर दी जिसके बाद ये आप बिल्कुल से आपके अगेंस्ट हो गए। तो पेशेंटली ट्रीट करें अपने आप को भी उनको भी, और सक्सेस मिलेगी। टेम्प्रोरी एनर्जी इज़ हैवी, 22 आवर्स तक हैवी है एनर्जी, मैक्सिमम 40 आवर्स तक। तो इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं शादी या फैमिली के मुद्दे को लेकर, तो ये दो मुद्दे से बचना है आपको। दूर से हाय हेलो करो बस, अगर आप ब्रेकअप नहीं चाहते तो ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। गाइडेड मैसेज आपके लिए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, पहला कार्ड, डिवाइन इंटरवेंशन, द गोल्डन स्टार्स, सुपरनोवा, वाइब्रेशनल मैच। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों के लाइफ से कुछ कार्मिक सडनली रिलीज होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त था, या बहुत अच्छा कोई सिबलिंग था आपका, छोटा भाई बहन, या बहुत अच्छा कोई आपका पेयर था जो कि अचानक से आपसे दूर हो रहा है या हो रही है, या तो वो जॉब के लिए कहीं दूर जा रहा है, या उसका घर शिफ्ट हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, या वो आपसे ब्रेकअप कर ले रहा है, झगड़ा कर ले रहा है किसी बात से। सडनली ब्रेकअप होगा क्योंकि देखिए जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची जाती है ना, आपकी वाइब्रेशन अलग उनकी वाइब्रेशन अलग, तो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। फिर अपने आप डिवाइन आपको ऊपर खींच लेते हैं और जो लोअर वाइब्रेशन वाले हैं वो दूर हो जाते हैं आपसे। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो वाइब्रेशन अगर आपकी हाई है तो हो सकता है आपके कुछ रिश्तेदार आपसे दूर हटने लगें, कुछ लोग आपको अकेला कर दें, आपको लगे कि उनके साथ आपका जम नहीं रहा है, जिनके साथ एक टाइम पे बहुत अच्छा लगता था अब उनके साथ बैठना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अब मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं किसी जगह गई जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है, वहाँ पर मेरी वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है कि मतलब अगर कोई किसी की, अब हम लोग छोटे थे तो घुस घुस के सुनते थे, अरे मज़ा आता था कि इनकी बुराई हो रही है, उधर उनकी बुराई हो रही है, तो गॉसिप सुनने में बड़ा मज़ा आता था, अबुआ लोग बात कर रही हैं या मौसी लोग बात कर रही हैं, घुस के बैठ गए उसमें। अब ऐसा है कि अब अगर कोई किसी की बुराई कर रहा होता है, कोई किसी के पीछे किसी के बारे में बात कर रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम लोग आपस में अपनी बातें करो, तुम किसी और के बारे में क्यों बातें कर रहे हो, और अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो इतना गट्स रखो कि उसके मुंह पे बोल सको, अच्छा बुरा उसको बताओ, मुँह पर बताओ। मुझे तो ये अच्छा लगता है कि भैया मैं अगर कुछ गलत कर रहे हूँ मेरे मुँह पर बोलो, मैं अगर कुछ अच्छा कर रही हूँ तो भी मेरे मुँह पर बोलो। पीठ पीछे बोलने वाली हैबिट अब मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि यार ये क्या बातें हो रही है, क्या इतने लोअर वाइब्रेशनल बातें हैं, मेरा मन ही नहीं करता वहाँ बैठने का, उठ के मन करता है कि चले जाओ, अकेले रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, बट ऐसे इन्वायरमेंट में आप खुद ही रह नहीं पाओगे। तो ये क्या होती है, अब लोगों को लगेगा कि इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, ये तो मेरे सामने अब बैठती नहीं है या बैठता नहीं है, पहले तो ये बड़ा बैठता था या बैठती थी। सही बात है बट ये एटीट्यूड नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन मैच ही नहीं कर रही, आपको नेगेटिव एनर्जीज लेनी नहीं है, आप हट जाते हो। तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ हो रही होगी या होगी, ठीक है। तो इसमें आपको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, जस्ट जो चीज़ आपके सोल के लिए परफेक्ट है उसी को ग्रहण करें, जो चीज़ों से लगता है कि आपकी सोल दूषित हो रही है उन चीज़ों से दूर हो जाए, ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से, ऐसे सिचुएशन से दूर रहें। अपने कान में अच्छी अच्छी चीज़ें ही डालें, आपका शरीर बहुत प्योर होना चाहिए, तो अपने कान में ऐसी चीज़ें डालें जो आपके शरीर में जाए और आपकी एनर्जी को प्योरीफाई करे, ऐसी चीज़ें ना डालें जो आपके शरीर में जाए और 50 तरह के गंदगी लेकर जाए। क्यों सुनना, नहीं बोलना, ना बोलो ना सुनो गंदी चीज़ें। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय से पहले ही अपनी सिचुएशन को प्रीजज करके बैठे हैं कि ये तो गलत ही होना है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। अरे जब तक चांस है 1% भी तब तक लगे रहो, 99% चांस नहीं है बट अगर 1% भी चांस है तो जी जान लगा दो उसके लिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो 99% सब खत्म, तो अगर 1% भी उम्मीद है लगा दो अपनी जान, जो भी आपसे बन पड़े डू इट,
ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिलती ही मिलती हैं, भगवान अंत तक आपकी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। देन बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो रहा है चमत्कार और होने भी वाला है। कई लोगों को तो मैंने खुद ही कॉन्ग्रेचुलेट किया है जिनका बहुत टाइम के बाद सडनली सेपरेशन ख़त्म हुआ है, यूनियंस हुए हैं, कमिटमेंट्स भी मिली हैं। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी भी यहाँ पर मिरेकल्स नज़र आ रहे हैं। एंड द गोल्डन स्टार्स नंबर 3-3, द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप खुद ही मुझे आएंगे और फरवरी के पहले आप मुझे बोलेंगे कि हाँ मैम मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। फरवरी एंड होने के पहले आप में से कई लोग आएंगे और इस चैनल पर कमेंट करेंगे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये जो चेंज है उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा, भले आप अभी उसको नहीं देख पा रहे बट वो होगा, ठीक है। तो मस्त रहिए। ये थी गाइस अभी इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं इवनिंग में नेक्स्ट वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।